गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा देसाई। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 15 डेज का चैलेंज जो आपके इनर थाई के फैट को रिड्यूस कर देगा। चाहे वो आपका इनर थाई का फैट हो या फिर आपके हिप पर फैट हो, उसको बिल्कुल खत्म करके वहाँ की मसल को बिल्कुल टोन अप करेगा, आपकी लेग्स को बहुत ही सेक्सी लुक देने वाला है। तो देरी मत करिए, फटाफट से मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए, अपने कम्फर्टेबल क्लोथ पहनिए, क्योंकि अगर ये सोचेंगे कि कल करते हैं परसों करते हैं तो कभी नहीं आएगा और फैट एज इट इज रहेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को डे बाय डे गिराता रहेगा और बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ डाइट पे कंट्रोल जरूर करें। आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, बहुत सारे वेट लॉस ड्रिंक है मेरे चैनल पर, उनको आप इनटेक कर सकते हैं, जो और हेल्प करेगा आपके फैट को कट करने में, ठीक है। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले अपने हैंड को इस तरीके से प्लेस करना है, अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करना है, अपनी लेग को इस तरीके से फोल्ड करना है, उसके बाद में आपने साइड लेग से किक करना है, देन वापस आना है, अगेन किक बैक। तो जब आप इसको मूवमेंट देते हैं, लेग को ओपन करते हैं, किक करते हैं, तो इससे आपके इनर थाई का जितना भी फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपकी हिप की मसल से टोन हो जाएगी, आपके ओवरऑल लेग को बहुत सुंदर शेप मिलेगा। तो इसको हमने करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 4 sets। रिलैक्स। अब हम करेंगे इसी को अदर साइड पे। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए आपको अपने हैंड को मैट पे इस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। आपका जो लेफ्ट लेग है वो इस तरीके से स्टैंडिंग मोड पर रहेगा, यानी ऐसे आप उसको फ्रंट करके रखेंगे। जो आपका इनर लेग है, ठीक है, उसको हमने सर्कल रोटेट करना है उससे, लाइक दिस 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके करने हैं हमें 4 sets। रिलैक्स। सेम हमें करना है अदर साइड पे। रिलैक्स। यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, आपने अपना जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ मैट पे प्लेस करें सेम जगह पर जहां मैं करके दिखा रही हूँ, आपने राइट लेग को इस तरीके से अप साइड लेकर आना है, देन फिर बैक साइड, और जितना हो सके आपने अप साइड लेकर जाना है स्ट्रेट, आपने इनर साइड पे, देन स्ट्रेट अप साइड, ठीक है। 20 टाइम्स आपको इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका इनर थाई बहुत अच्छे से गैप मेंटेन हो जाएगा। बहुत सारी गर्ल्स की जो थाई में गैप नहीं होता, जिससे उनको रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है और दिखने में भी बहुत चीप लगता है, कॉन्फिडेंस लो करता है, तो इससे आपके थाईज को बहुत सुंदर शेप मिलेगा। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से हैंड को मैट पे प्लेस करना है, ठीक है, और उसके बाद में अपनी वन लेग को इस तरीके से आपने अप साइड पे लिफ्ट करना है अपने हैंड से, ठीक है। उसकी एंकल को आप होल्ड कर लीजिए लाइक दिस, और आपने अदर लेग से उसको टच करना है उसके फीट को लाइक दिस, अगेन बैक डाउन साइड जाएगी आपकी लेग, देन फिर आप 20 times और 4 sets।
मैंने आपको वन साइड करके दिखाया है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको अदर साइड नहीं करना है। अदर साइड भी आपको सेम एक्सरसाइज को प्रोसेस करना है 20 टाइम्स और उसे करने हैं आपने 4 सेट्स। तो चलिए यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस करना है, ठीक है। अपने हिप को अपने बैक साइड पे रखना है इस तरीके से, कमर को अपने अंदर की तरफ स्क्वीज आउट करके रखना है, बेंड करके रखना है। उसके बाद में आपने अपने इस तरीके से लेग को अपसाइड लेके जाना है, देन डाउन डाउन। जब आपकी लेग आएगी तो यहीं से, मतलब टच नहीं होगा मैट से, वापस बैक साइड जाएगी, ठीक है। 20 टाइम्स ईच लेग 4 सेट्स। अदर लेग पर रिलैक्स। तो यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से पीठ के बल मैट पे लेट जाना है, उसके बाद में अपने हैंड्स को अपने हिप के नीचे प्लेस करना है और आपने वन लेग से सर्कल रोटेट करना है 20 टाइम्स ईच लेग 4 सेट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपने लेग्स को फोल्ड करना है, उसके बाद में अपने हैंड को यहाँ पर मैट पे प्लेस करना है साइड पर, अपने हिप को ऊपर इस तरीके से लिफ्ट करते हुए होल्ड करना है 10 सेकेंड्स, देन रिलैक्स। आपको इसको 20 टाइम्स रिपीट करना है और इसके करने हैं आपने 4 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है। गाइज आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। तो देरी क्यों कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।